हे गाइस, ब्लैक क्लोवर भी उन्हीं एनिमेस की लिस्ट में आता है जिनका स्टोरी लाइन ऑसम है। इसे एपिसोड वाइज डिस्कस करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम इसे आर्क वाइज एक्सप्लेन करेंगे। हम टोटल 11 आर्क्स को देखेंगे। आर्क 1, मैजिक नाइट एंट्रेंस आर्क। बहुत साल पहले जब एक राक्षस की वजह से इंसानियत खतरे में थी, तब एक जादूगर आगे आया और अपने जादुई शक्तियों से उस राक्षस का खात्मा किया। उसे विजार्ड किंग कहा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये टाइटल नेक्स्ट जेनरेशन को मिलती गई। उस राक्षस का खोपड़ी अभी भी एक विलेज में मौजूद है, हेज विलेज। यहाँ के रहने वाले दो लड़के आस्था और यूनो ने विजार्ड किंग बनने का फैसला किया है। ये दुनिया जादूगरों की दुनिया है। यहाँ सब अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं, पर आस्था ही यहाँ का एक लौता इंसान है जिसे जादू करना ही नहीं आता। उसके पास थोड़ा सा भी जादू नहीं है, फिर भी उसने अपना विजार्ड किंग बनने का सपना नहीं छोड़ा है। वो लगातार इसके लिए मेहनत करता रहता है। इधर यूनो आस्था से बिल्कुल उल्टा है। उसके पास भरपूर मैजिकल पावर है और वो भी रोज मेहनत करता है। अभी आस्था का सिर्फ एक ही होप है, क्रिमोर, एक ऐसी किताब जिसमें लिखे मंत्र को पढ़कर एक जादूगर अनोखे जादू कर सकता है। यह 15 साल के होने के बाद बच्चों को क्रीमर दिया जाता है और ये दोनों भी अभी 15 साल के हो चुके हैं। सबको अपना अपना क्रीमर मिलता है, पर आस्था को कोई क्रीमर नहीं मिलता। ये देखकर सब बहुत हंसते हैं, पर अचानक सब ये देखकर पूरा हैरान हो जाते हैं कि यूनो को फोरलिप क्लोवर वाला क्रीमर मिला है जो इससे पहले सिर्फ फर्स्ट विजार्ड किंग को ही मिला था और जो एक यूनिक क्रीमर है। राप्ची नाम का एक जादूगर ये नोटिस कर लेता है और वो रास्ते में यूनो से क्रीमर छीनने का कोशिश करता है। तब आस्था वहाँ आ जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। राप्ची आस्था के ऊपर बहुत हंसता है। वो कहता है इसे क्रीमर भी नहीं मिला, बड़ा आया विजार्ड किंग बनने। आस्था सच में हार मानने लगा था, लेकिन तभी उसे एक क्रीमर मिलती है, 5-लीफ क्लोवर वाला क्रीमर। इस क्रीमोर से एक तलवार बाहर आता है और इसकी मदद से आस्था राप्ची को हराकर यूनो को आजाद कर लेता है। यूनो जो पहले आस्था को इग्नोर करता था, आज वो आस्था को बताता है कि आस्था उसका राइवल है। वो उसे याद दिलाता है जब बचपन में दोनों ने एक साथ प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर विजार्ड किंग बनेंगे। अब विजार्ड किंग तो दोनों में से कोई एक ही बन पाएगा, इसीलिए यूनो आस्था को अपना दोस्त नहीं राइवल मानता है। आस्था ये जानकर बहुत खुश होता है कि यूनो उसे अपना ओपोनेंट बनाने का लायक समझता है। अब विजार्ड किंग बनने से पहले उन्हें मैजिक नाइट्स का एंट्रेंस एग्जाम को पास करके एक मैजिक नाइट बनना होगा। मैजिकल पावर ना होने की वजह से ऑर्फनेज का मुखिया आस्था को एग्जाम ना देने के लिए कहते हैं, पर आस्था नहीं मानता है। गाँव के सारे लोगों से विदाई लेके दोनों क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में पहुँचते है जहाँ ये एग्जाम हो रही है। एग्जाम में सब उत्तम तरीके से अपने जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। सब यूनो के हुनर को देखकर हैरान थे, पर आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एग्जाम में सिलेक्शन के ठीक पहले कैंडिडेट के बीच बैटल किया जाता है। आस्था अपने तलवार के इस्तेमाल से ओपोनेंट को तुरंत ही हरा देता है, क्योंकि ये एक एंटी मैजिक तलवार है जो जादू को काटती है। ये एक अनोखी चीज है जिसे देखकर 9 के 9 मैजिक नाइट कैप्टेंस हैरान थे। यूनो भी अपने मैजिक पावर से ओपोनेंट को तुरंत ही हरा देता है। सिलेक्शन के टाइम पूरे 9 के 9 मैजिक नाइट कैप्टेंस उसे अपने टीम में लेना चाहते थे, पर यूनो सबसे पावरफुल मैजिक नाइट स्क्वाड गोल्डन डाउन को चूज करता है जिसके कैप्टन है कैप्टन वेंजेस। इधर आस्था को सबसे बदनाम स्क्वाड ब्लैक बुल्स में जगह मिलती है जिसे लीड कर रहे हैं कैप्टन यामी। सिलेक्शन खत्म होने के बाद आस्था ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में आता है। वो ये देखकर हैरान था कि यहाँ के मेंबर्स आपस में झगड़ा करने में व्यस्त है और बहुत आलसी है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो इनके साथ घुल मिलकर ही आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर यूनो को भी उसका कमरा दिखाया जाता है। यूनो को महसूस होता है कि उसके टीम मेट्स उसे घमंडी समझ रहे है, क्योंकि सभी मैजिक नाइट कैप्टेंस उसे लेना चाहते थे। आज से पहले ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। ब्लैक बुल्स में इसी साल आस्था के साथ एक नई लड़की भी शामिल हुई है, नोएले सिल्वा। वो एक राजकुमारी होने की वजह से बिना एग्जाम दिए ही स्क्वाड में एंटर हो पाई है। बदकिस्मती से वो अपने वाटर मैजिक पर काबू नहीं कर पाती है, इसीलिए ही उसे ब्लैक बुल्स जैसे एक बदनाम स्क्वाड में आना पड़ा। इसके कुछ दिनों के बाद आस्था और नोएले को उनका पहला मिशन मिला, पर क्योंकि वो दोनों नए मेंबर्स थे इसलिए स्क्वाड का एक सीनियर मेंबर मैग्ना सेंपाई
उन दोनों को लीड करने उनके साथ आता है। उन्हें सौसी विलेज में सुअरों को पकड़ने का काम दिया गया था क्योंकि ये सुअर गांव वालों को परेशान करते थे। ये एक सीरियंक मिशन है। मिशन के दौरान मैग्ना बताता है कि वो इसी विलेज से बिलोंग करता है और इस गांव के मुखिया के कहने पर ही उसने मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन किया था। सुअरों को पकड़ने का उनका मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें पता चलता है कि सौसी विलेज पर कुछ जादूगरों ने हमला कर दिया है। खतरा बहुत ज्यादा है। अब ये मिशन सी रैंक से ए रैंक मिशन बन चुका है। इस विलेज पर हमला करने वाले जादूगर का नाम है हित। वो अपने मैजिक से बर्फ का स्ट्रक्चर बनाकर हमला कर सकता है, जो काफी पावरफुल मैजिक है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर सौसी विलेज के मुखिया को मार चुका था, पर अभी वो बाकी गांव वालों को डराकर रखा हुआ है। इन्हें देखकर मैग्ना टेंशन में आ जाता है। सीनियर होने के नाते वो आस्था और नोएले को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर वो दोनों अपने सीनियर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। और तुरंत ही हित और उसके साथियों के साथ इन तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। नोएले अपने मन पर काबू करके पानी का एक शील्ड बनाकर गांव वालों को प्रोटेक्ट करती है और इधर आस्था और मैग्ना अपना पूरा दम लगाकर हित से लड़ते है। हित हद से ज्यादा ताकतवर था, उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर भी आस्था और मैग्ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज करके हित पर हमला करके उसे हरा देते हैं। इसमें आस्था का एंटी मैजिक तलवार बहुत फायदेमंद रहा। हारने के बाद हित का एक साथी टेलीपोर्टेशन जादू से भाग जाता है और हित के साथ बाकी साथी सुसाइड कर लेते हैं। आस्था ये देखकर पूछता है कि इतनी वफादारी किसके लिए, ये लोग जिंदगी को समझते क्या है। इनका जो साथी भाग गया था वह अपने लीडर के पास आकर सूचना देता है, पर इस लीडर ने तो गोल्डन डर्म स्क्वाड की यूनिफॉर्म पहना है। इधर सौसी विलेज के सारे लोग बच गए, पर वो सब बहुत दुखी है कि उनका मुखिया नहीं बच पाए। मैग्ना को भी बहुत दुख होता है। फिर ये तीनों ब्लैकपूल हेडक्वार्टर में आकर हित के बारे में रिपोर्ट देते है। कैप्टन यामी सिचुएशन को एनालिसिस करते है। फिर उनके दो स्क्वाड मेंबर हित के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इससे खतरनाक मिशन को कंप्लीट कर पाने के वजह से पूरे ब्लैकपूल टीम को विजार्ड किंग की तरफ से एक स्टार दिया जाता है। ये देखकर आस्था बहुत खुश होता है। फिर वो पूछता है कि ये स्टार्स क्यों दिया जाता है। मैग्ना उसे बताता है कि विजार्ड किंग ये स्टार मैजिक नाइट्स को सम्मान देने के लिए देते है। जिस टीम के पास जितने स्टार्स वो टीम उतना अच्छा। फिलहाल हमारा स्टार -31 है और हम गोल्डन डाउन से 100 स्टार्स पीछे हैं। ये सुनकर आस्था सोचता है, ऐसे तो मैं यूनो को कभी हरा ही नहीं पाऊंगा। नोएले सोचती है, मैं सही टीम में तो हूँ ना। तभी कैप्टन यामी सभी मेंबर्स को उनका सैलरी देते हैं। अब सैलरी पाकर इनका हाथ खनकने लगता है और ये लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने। आस्था अपना पूरा सैलरी चर्च के ऑर्फनेज को भेजने का फैसला करता है। टीम के और एक मेंबर विच वेनेसा आस्था और नोएले को रॉयल कैपिटल के बाजार में लाती है ताकि ये लोग अपने मन पसंद की चीजें खरीद सके। वो लोग बाजार में ऐसे ही घूम रहे होते हैं कि एक रहस्यमय बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। तभी वहाँ मौजूद ग्रीन मेंटिस स्क्वाड का एक मैजिक नाइट और आस्था तुरंत उस चोर का पीछा करते हैं। आस्था अपने एंटी मैजिक तलवार से उस चोर के उड़ने वाले मैजिकल बादल को काट देता है और वो चोर तुरंत ही पकड़ में आ जाता है। ग्रीन मेंटिस का वो मैजिक नाइट उस चोर को गिरफ्तार करके ले जाता है। इधर आस्था अपने दोस्तों के साथ आकर उस बूढ़ी औरत को उसके पैसे लौटा देता है। वो बुढ़िया इन्हें शुक्रिया बोलती है। इनके जाने के बाद उस बूढ़ी औरत की रूप बदलने लगता है और हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में विजार्ड किंग थे जो भेस बदल कर आए थे आस्था के इस अनोखे मैजिक को करीब से देखने के लिए। तभी उनका असिस्टेंस उन्हें वापस महल में आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें किंगडम के लिए बहुत काम करने है। इसी दौरान उनकी नज़र आसमान में उड़ते हुए गोल्डन डाउन के मेंबर्स पर जाती है जिनमें यूनो भी शामिल है। उसे देखकर विजार्ड किंग को याद आता है कि ये वही जादूगर है जिसके पास फोर लीफ क्लोवर वाला क्रिमोर है। वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाते हैं। बेचारा असिस्टेंस रोता रह जाता है। अब तक यूनो के दो साथी बन चुके थे, एक ही उनका सीनियर क्लाउस सेनपाई जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और दूसरी है मीमोसा जो यूनो की तरह ही एक नई मेंबर है। कमाल की बात यह है कि यूनो इन दोनों से ज्यादा बात नहीं करता है। उन्हें एक मिशन दिया गया है, सलीम नाम के इस बंदे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मिशन। रास्ते में सलीम यूनो से बातें करता है और उससे जीत करने लगता है कि वो उसके विलेज में जाना चाहता है।
जहाँ पर वो पला पड़ा है। क्लाउस इसके लिए मना करता है, पर सलीम की जिद के कारण यूनो उसे ऑर्फनेज में आने देता है। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उस ऑर्फनेज की देखभाल करने वाली सिस्टर लिली का अपहरण हो जाता है। यूनो ऑर्फनेज वालों को आश्वस्त करता है कि वो सिस्टर लिली को बचाएगा, पर क्लाउस मना करता है। वो कहता है, हमें अभी सलीम को सही सलामत पहुँचाना है और ये मेरा ऑर्डर है। यूनो उसकी बात को नहीं मानता है और सिस्टर लिली को बचाने चला जाता है। क्लाउस यूनो की ऐसी हिम्मत को देखकर हैरान था, वो चिढ़ने लगता है। यूनो मैजिक को सेंस करके जान पाता है कि सिस्टर को किडनैप करने वाले यह 5 लोग हैं। 3 लोगों को हराने के बाद वो सिस्टर को चौथे आदमी के पास पाता है, जो सिस्टर के बदले यूनो से उसका क्रिमर मांगता है। यूनो बड़ी परेशानी में था, तभी क्लाउस और मिमोसा आकर उस चौथे आदमी को पकड़ लेते हैं। क्लाउस बताता है कि ये सलीम का ही चाल था, उसी ने ही सिस्टर को किडनैप करवाया है। उससे पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वो तुमसे जलता है क्योंकि तुम्हारे पास 4-लीफ क्लोवर है। सलीम और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर उन्हें 5वां साथी अभी तक नहीं मिला। बाद में हमें पता चलता है कि वो 5वां साथी खुद विजार्ड किंग ही थे, जो यूनो के हुनर को देखकर काफी इम्प्रेस थे। उतने में उनका असिस्टेंस फिर से उन्हें परेशान करने आ जाता है। इस मिशन के बदले गोल्डन डाउन की टीम को विजार्ड किंग के तरफ से एक स्टार मिलता है। ये देखकर कैप्टन वेजेस इन तीनों पर बहुत खुश होते हैं और क्लाउस को भी यूनो पर गर्व होता है। इस घटना के कुछ दिन बाद अचानक जमीन से एक जगह ऊपर आ जाता है, जो कि क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बॉर्डर पर है। इसकी खबर वो असिस्टेंट विजार्ड किंग को देता है। विजार्ड किंग कहते हैं, इस बार हम उन दोनों को भेजेंगे। यहाँ विजार्ड किंग किन दोनों के बारे में कह रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट आर्क में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।